मुंगेर पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पूर्व पार्षद और उसका पति जाली नोट बनाने के इस धंधे में शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगी भी करते थे। मुख्य आरोपी तो फरार हो गया, लेकिन पूर्व पार्षद गिरफ्त में आ गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मुंगेर जिले में जाली नोट के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। लोग जाली नोट का धंधा करते थे, वो नगर निगम की पूर्व पार्षद और उसका पति है, जो लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी भी करता था। पूर्व पार्षद और उसका पति कर रहा था कारोबार। पूर्व पार्षद सहित तीन लोगों को किया गिरफ्तार। नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद। मामला मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटघर मोहल्ले का है, जहां मुंगेर पुलिस ने जाली नोट और नोट डबलिंग करने के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। और इस मामले में पूर्व वार्ड पार्षद सलमा खानम सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी और पूर्व वार्ड पार्षद के पति लाल खान पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उसके घर से कई आपत्तिजनक कागजात और नोट बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तोपखाना बाजार निवासी लाल खान जाली नोट का कारोबार करता है, साथ ही नोट डबलिंग के नाम पर लोगों से ठगी करता है। पुलिस ने लाल खां के घर छापामारी की। लाल खां तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी और पूर्व वार्ड पार्षद सलमा खानम, उसकी बेटी और एक अन्य रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। सभी को कोतवाली थाना लाया गया, जहां सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दिलावरपुर निवासी नसीम आरा और उसके युवा बेटे मोहम्मद सरोज आलम को भी हिरासत में लिया है। एक वादी अवधेश कुमार द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि मुंगेर जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपखाना बाजार में के रहने वाले अनवर खान उर्फ लाल खान, उसकी पत्नी, उसके बेटे तथा उसका सहयोगी विकास के द्वारा नौकरी के नाम पर ठगी किया जा रहा है। लाल खां के घर से 2000, 100, 50, 20 और 10 के लगभग 1,00,000 रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं। साथ ही नोट के साइज का कटा हुआ सादा और रंगीन कागज, कई तरह के केमिकल बरामद हुए हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए महिला और युवक से पूछताछ की जा रही है। ये लोग नोट डबलिंग के नाम पर लोगों से ओरिजिनल रुपए लेकर उसे दोगुने नोटों की गड्डी उपलब्ध कराते थे। एक काला रंग का जो डाई किया हुआ है, जो 100 रुपए के नोट का डाई है, उसका 25 बंडल बरामद हुआ है। कई सारे केमिकल्स बरामद हुए हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा ये जाली नोट बनाया जाता था, और इसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आरोपी लाल खां असली रुपए लेकर फरार हो गया। ये लोग लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी भी करते थे। पुलिस मुख्य आरोपी लाल खां की तलाश कर रही है। गुना के लिए मुंगेर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।